भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि लौह पुरुष। आजाद भारत को एकजुट करने का श्रेय इनकी सियासी और कूटनीतिक क्षमता को ही जाता है। किसान परिवार में जन्मे पटेल अपनी कूटनीतिक क्षमताओं के लिए भी याद किए जाते हैं। 15 दिसंबर 1950 के दिन सरदार पटेल ने अंतिम सांस ली। हमारी ओर से देश के लौह पुरुष को भावभीनी श्रद्धांजलि। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद खेड़ा में हुआ था। किसान परिवार झावेर भाई लाड़बा पटेल के घर की आर्थिक तंगी के चलते उन्हें स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी वक्त लगा। इसी कारण वो 22 साल में 10वीं पास कर सके। स्कूली शिक्षा में अध्यापकों की ओर से पुस्तकें खुद खरीदने की बात का पटेल ने डटकर विरोध भी किया था। 5-6 दिन स्कूल में बंद रहे, लेकिन जीत पटेल की ही हुई। वल्लभ भाई पटेल वकालत करने इंग्लैंड जाना चाहते थे। 1905 में पोस्टमैन ने उनका पासपोर्ट और टिकट भी उनके घर पहुंचाया था, जो उनके बड़े भाई को मिला। दोनों भाइयों का नाम विजय पटेल था। ऐसे में बड़े भाई ने खुद इंग्लैंड जाकर वकालत करने का फैसला किया। वल्लभ भाई पटेल ने भी भाई का सपोर्ट करते हुए अपना पासपोर्ट टिकट उन्हें दे दिया और इंग्लैंड में रहने के लिए कुछ पैसे भी भेजे। कॉलेज शिक्षा का अनुभव नहीं होने पर भी 36 साल की उम्र में सरदार पटेल ने इंग्लैंड में 3 साल की वकालत महज 2 साल 6 महीने में पूरी कर ली। वकालत की लगन उनमें कूट कूट कर भरी थी। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब पत्नी झावेर भा के निधन की सूचना मिलने पर सरदार पटेल कोर्ट में पैरवी करते रहे। उनके इस केस में जीत हुई। पत्नी के निधन की सूचना भी पटेल ने खुद कोर्ट को बाद में दी। आजाद भारत के गठन का एक किस्सा भी पटेल से जुड़ा है, जिसमें जूनागढ़ रियासत ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे और भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के निर्देश दिए। साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के आदेश भी दे दिए। उनका दूसरा किस्सा है कि सैनिटेशन कमिश्नर बनने का। अपने मित्रों के कहने पर उन्होंने 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और जीत गए। आजाद भारत में पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री, रियासत के मंत्री, उन्हें लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है कि भारत जब आजाद सारी रियासतों को अलग कर दिया था, उनकी आज़ादी दे दी थी कि आप चाहें तो भारत में मिलें, आप चाहें तो पाकिस्तान में मिलें, आप चाहें तो आज़ाद रहें। ये उनकी कूटनीतिक चाल थी। भारत को आज हम जिस राजनीतिक इकाई के रूप में देख रहे हैं, यूनिफाइड इंडिया जो देख रहे हैं हम आज, वो सरदार पटेल की देन है। उन्होंने सारी रियासतों से बात करके एक एक को भारत में विलीनीकरण के लिए, भारत के साथ रहने के लिए तैयार किया और रास्ते निकाले। खास तौर पर जब जूनागढ़ के नवाब राजी नहीं हुए तो उन्होंने वहाँ की जनता से विद्रोह भी करवाया। वो भाग गए पाकिस्तान, जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। हैदराबाद के निज़ाम तैयार नहीं थे भारत में मिलने को, वहाँ सेना भेजी। बिल्कुल लिहाज नहीं बरता, बिल्कुल सख्ती के साथ उन्होंने भारत को एकजुट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पटेल ने 1918 में खेड़ा में पड़े सूखे के बाद ब्रिटिश सरकार से करों में राहत की मांग करने के लिए आंदोलन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत के पहले गृह मंत्री भी बने। आजादी के बाद 562 छोटी बड़ी देशी रियासतों के एकीकरण और अखंड भारत के निर्माण में उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। इसे देखते हुए गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने पटेल की 182 मीटर ऊंची लोहो प्रतिमा का निर्माण भी किया गया, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम भी दिया गया। सरदार पटेल के अभूतपूर्व योगदान के लिए आजादी के 41 साल बाद 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया। वहीं अखंड भारत बनाने में अहम भूमिका निभाने से उनको देश का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाने लगा। आज हम उस लौह पुरुष को इसलिए याद कर रहे हैं कि भारत जैसा भी है, जो कुछ भी है, गांधी जी ने आजाद कराने में भली कितनी बड़ी भूमिका निभाई हो, लेकिन भारत के राजनीतिक एकीकरण में, भारत को एक पॉलिटिकल इकाई के रूप में जैसा आज दिख रहा है वैसा बनाने में
सरदार पटेल की अभूतपूर्व भूमिका थी, उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो लोहे की तरह कठोर होकर के उन्होंने काम किया, और पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जब देश आजाद हुआ, भारत को नया संविधान मिल गया, तब लौह पुरुष 15 दिसंबर 1950 को हमसे बिछड़ गए, लेकिन जाते जाते वो अपनी सादगी ईमानदारी का परिचय पूरे देश को दे गए। संपत्ति के नाम पर बैंक खाते में थे महज 260 रुपए, न ही कोई आशियाना था। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि लौह पुरुष ने खुद से ज्यादा देश की सोची। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन टीवी न्यूज।